ये है केव नंबर 16, द कैलाश टेम्पल। ये इकलौता टेम्पल है जिसको ऊपर से नीचे तक बनाया गया है, बाकी सारी गुफाएं जो है वो कोई राइट से लेफ्ट, कोई लेफ्ट से राइट, सॉरी सामने से पीछे बनाई गई है, मगर ये ऊपर से नीचे तक बनाया गया है। तो ये सारी डिटेल्स हैं इसके बारे में। देखिए सर, अभी जो केव देखने जा रहे हैं आप, 16 नंबर का केव है। ये केव को जो है कैलाश टेम्पल के नेम से जाना जाता है। तो जो कैलाश टेम्पल के नेम से जाना जाता है क्योंकि जिस तरह टेम्पल का सब में फर्स्ट कलश बना जाता है, हाँ, तो उसी तरह ये गुफा का भी सब में फर्स्ट कलश बना है, हाँ, और बाद में नीचे लाया गया। तो अभी जो गुफा देख के आपने फ्रंट टू बैक साइड है, हाँ, जो ओनली वन केव है जो टॉप टू बॉटम है, ऊपर से ऊपर से नीचे बनाया है। अब ओनली वन केव बनाने में टोटल 200 ईयर्स लगाए। 200 ईयर्स। अब ओनली वन केव बनाने में टोटल 10 जेनरेशन लगाए। ओके। तो 10 जेनरेशन इसी लगाए क्योंकि गुफा का जो वर्किंग था बहुत बिग था, हाँ, और डिजाइन भी बहुत बिग था, हाँ, इसलिए गुफा को ज्यादा समय लगाए। तो एक आदमी जो है तो सिर्फ 20 साल तक ही काम किया करता था। अच्छा। क्योंकि उसका ताकत भी सेम होना चाहिए और माइंड भी सेम होना चाहिए, वो हिसाब से आदमी चेंज किया जाता था। तो ये जो गुफा बना है 757। अच्छा। तो ये गुफा को जो कटिंग का डिजाइन देख रहे हो आप, हाँ, अपना रथ होता है चार, हाँ, उसी तरह इसको कटिंग बनाए, पहले बड़ा बनाए, बाद में छोटा बनाए, फिर वो छोटा बनाए। और जिस तरह अपने चार्य रथ को कैसे अपन घोड़े बैल का इस्तेमाल करते, हाँ, तो उसी तरह ये गुफा को दो ही बाजू से एलिफेंट से इस्तेमाल किया गया, वो देखिए राइट में, हाँ, तो अंदर जाने के बाद में लेफ्ट में। तो जिस तरह रथ में राजे महाराजे सवार किया जाता है ना, तो उसी तरह आपको सब में बीचों बीच सब में भी शंकर भगवान जी का शिवलिंग पिंड देखने को मिलता है। अच्छा। जो साक्षात शंकर भगवान जी रथ में सवार करके बनाए। तो ये जो गुफा बनाए सर, तो पूरा हिंदू धर्म पे आधारित है। तो उन्होंने स्टार्ट किया करके, आज अपन हिंदू धर्म में फॉलो करते हैं कि कोई भी हिंदू धर्म में हैप्पी काम करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। जो राइट साइड जो आदमी बैठा है एंट्री गेट पे नीचे राइट में, हाँ, उनके पीछे आपको गणेश जी का स्टैचू देखने को मिलता है। अच्छा। और दूसरी बात जो है कि कोई भी काम करने से पहले हर इंसान हर मानव में पावा बनना चाहिए, शक्ति, कि कोई भी हिंदू धर्म में शुभ काम करने का रहा तो पवित्र स्नान करना चाहिए। तो तीनों नदी एलिफेंट के पीछे जो बैरिकेड देख रहे, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, अरे वाह, ये तीनों नदी का साक्षात संगम होते टैचेस बनाए सर। तो उनका जो साक्षात संगम बनाया थे इलाहाबाद में, हाँ, संगम, ये सब तीनों टैचेस एक साथ संगम होते देख रहे यहाँ पर, देखिए गंगा यमुना सरस्वती का संगम है ये, यस, नदी। और जैसे कि हर चीज को हमें बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो लक्ष्मी जी का रूप बनाया है। हर नया काम करने से पहले हमको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तो वहाँ गणेश जी की भी मूर्ति बनाई है, और ताकत, हाँ, ताकत शक्ति के लिए दुर्गा माता की मूर्ति लगाई है। और राइट साइड लेफ्ट साइड जो स्तंभ देख रहे आप, हाँ, दूसरे स्तंभ कार्तिक स्तंभ है, एक मंदिर है, तो मंदिर में आपको दोनों दिशा से कैंडल लगा हुआ देखने को मिलता है। अच्छा। और थोड़ा सामने जाओगे आप तो महाभारत बना है, एक मिनट ये देखिए सर, ये रामायण बना है, स्मॉल स्मॉल जो देख रहे हो, अच्छा, वैसा सेम महाभारत है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जो भी चीजें हैं, ये वो सब रामायण रामायण का है, वैसे सेम ऐसे उधर महाभारत के लिए बना रखा, पूरी स्टोरी बना रखी है, यस। और ये बिग राउंड है, हाँ, ये राउंड में जो है तो विष्णु जी के दश अवतार, नरसिंह अवतार, विष्णु पुराण, हाँ, शिव पुराण, हाँ, सही, बहुत बढ़िया। और यहाँ से राइट से ऊपर जाओगे आप तो ये आपको चप्पल से उतारना पड़ेगा। अच्छा। तो अंदर जाओगे आप तो सब में बड़ा शिवलिंग पिन बना है। अच्छा। पहले पूजा वगैरह सभी किया जाता था, लेकिन लोग अगरबत्ती जलाना, दीप जलाना खराब हो गए। और जिस तरह अजंत में पेंटिंग बनाया वैसे, लेकिन जो लाल वाला व्हाइट वाला जो देख रहे हैं, हाँ, ये नेचुरली पेंटिंग है, हाँ, ये पहले पेंट था, वो अब सब छूट गया है। यस। जब 18 सेंचुरी में अल्ले भाई होलकर आए थे ना, तो उन्होंने पेंट किया गया। अच्छा, अल्ले भाई होलकर ने पेंट करवाया था। यस, क्योंकि बचपन से ही शंकर भगवान जी के बहुत बहुत बड़ी भक्ति है, और ये गुफा भी शंकर भगवान जी के लिए पेंट की गई, उन्होंने बहुत जगह करवाया, काशी विश्वनाथ टेम्पल भी उन्होंने बनवाया, उन्होंने लिंग का उन्होंने बनाया डेकोरेशन, ये टेम्पल जो है ना उन्होंने तोड़ा था, और फिर अल्ले भाई होलकर ने बनवाया था। जितना नेचुरली पेंटिंग उतना नेचुरली पेंटिंग आपको देखने को मिलता है। और वो शंकर जी हैं ऊपर जो सबसे ऊपर, शंकर भगवान जी हैं, अगर आप देख पा रहे हैं शंकर भगवान जी हैं, और ये तो शंकर जी हैं, सब कुछ जाना है, मैं जूम करके आ शंकर जी हर हर महादेव, और ये शेर जैसे राजे महाराज के पैर के भगवान करते हैं, हां, मंदिर के पैर के भी, हां, और ये दोनों शेर के बीच कमल का फूल है, स्वयं शंकर भगवान जी का आप करते बना, हां।
काफी सब में मेन और सब में बड़ी गुफा जो पूरे ओल्ड में भी देखने को मिलता है आपको, जो सिंगल स्टोन में बना हो, मंदिर जैसा डिजाइन बना हो, मोनोलिथिक बोलते हैं, यस मोनोलिथिक बोलते हैं, जो कहीं भी देखने को मिलता है, सिर्फ एल्लोर के अंदर कैलाश मंदिर जो ऑल लेवल है, विदेश भी ऐसा कुछ भी है ना, विदेशों के पास भी नहीं है। नहीं सही है, नहीं सही बात है, अभी सब में ये सारा टेम्पल सिर्फ अभी तक हम देखते देखते रहते थे। इसका तो बहुत मन था कि यार कैलाश टेम्पल देख के आएंगे किसी दिन, कैलाश टेम्पल देख के आएंगे, आज आ ही गए। और हम लोग कैलाश टेम्पल के लिए नहीं आए थे, हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पर है, पर एकदम से आ गए। सारा ब्रिज बना रखा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उनके पास आर्किटेक्चर की और कितना इसका मैप का कितना ज्यादा अच्छा नॉलेज रहा होगा कि उनको पहले से बताया कि इधर से उधर हमें गैप देना, रास्ता देना है, उधर से उधर देखो इस जगह से जाने के लिए लेफ्ट से राइट के लिए रास्ता देना है, तो उन्होंने उधर के लिए गैलरी बना दिया, ब्रिज बना दिया, सब कुछ बनाया यार अल्टीमेट। वो भी ऊपर से नीचे तक पत्थर यार, सच्ची गजब यार, अल्टीमेट। कितना छोटा सा लग रहा है ना हम यहाँ पे, कितने सारे हाथी है, जो ये नाग नाग बने हुए हैं, जो सब ये नाग है ना सर्प, ये जो मूर्ति है अरे ये हाथी के नीचे वाली, ये तीन सर्प हैं देखो, सब महादेव के सेवक हैं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्यासी बोतल गिराते हुए एक चीज संभाली नहीं जाती, गिराती पड़ती रहती है, गिरते पड़ते खुद भी गिरते पड़ते रहेगी और सामान भी गिराते पड़ते रहेगी। और यहाँ देखिए अंदर तक बने हुए हैं, देखो कितना अच्छा बना हुआ है, कितनी देखो, ये भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को मारते हुए चीरते हुए, ये देखिए नरसिंह अवतार, और ये भगवान विष्णु अपने अनंत शेष नाग पर विश्राम करते हुए, लक्ष्मी जी ऊपर, हाँ उनके देखो जो कल कमल निकला हुआ है उनके पेट से, उसमें ब्रह्मा जी हैं, लक्ष्मी जी भी है, वो बैठी है साइड से होंगे, अभी नहीं है वो बाद में। और यहाँ पे ये देखो वो बाली के वो किया था ना, हाँ तो वो वाला दिखा रखा इधर, ये भी कुछ है पता नहीं है। ये देखिए और ये जो कलर्स वगैरह करवाए हैं ये रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाए थे, सारे कलर्स जो करवाए हैं ना, वो शिव भक्ति ना बहुत बड़ी, हाँ तो उन्होंने ही काशी विश्वनाथ टेम्पल बनवाया था, तो सब कर उन्होंने शिव जी के बहुत सारे टेम्पल करवाए थे, उनमें से ये था, तो ये जो कलर्स वगैरह आप देख रहे हैं ये अहिल्याबाई होलकर ने करवाए हैं।
यहाँ पर आए थे हम लोग, एलोरा केव्स एंड कैलाश टेम्पल, बहुत ही शानदार यार, अल्टीमेट, मतलब है ना, वर्ड्स नहीं है कि हम इतने जो हमारी फीलिंग्स हैं डिस्क्राइब कर, थक गए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी, मेरी तभी थोड़ी डाउन थी जैसे, तो उसकी वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही है, ज़्यादा चल नहीं पा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा परेशानी के बावजूद इतना खुश है ना मन के यार, हम कितनी ना किसी के ना बहुत बड़ी है ना एक इच्छा पूरी हो गई हो कि है ना कैलाश टेम्पल आना, कैलाश तो नहीं जा पाए महादेव की स्थान पर, मगर उनका ये स्थान तो हम आ ही गए, तो कैलाश भाई टेम्पल कैसे बनाया होगा, कितना शानदार, इसको बताते हैं, तो इसको टेम्पल को बनाने में ही 200 साल लगे थे, सिर्फ इस टेम्पल को बनाने में 200 साल, आप इमेजिन करिए कि कितना बड़ा समय है और कैसे बनाया होगा, तो सारी चीज़ें देख कर सुन के समझ कर बहुत अच्छा लगा। अगर आप नहीं आए यहाँ पे तो आप ज़रूर आइए कभी, अच्छे टाइम देख के आइए, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हाँ गर्मी में मत आइएगा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी बच्चों के साथ तो खासकर, तो आप जब भी आइए थोड़ा सा जब सर्दी वगैरह का टाइम हो तो देख के आइए, बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा और देखते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से अपने होटल। देखते हैं, फिर चलते हैं।